ये जितने भी वार्ड में रहते हैं सभी गरीब हैं, ऐसा कोई लखपति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ जितने भी है सब, अगर लखपति करोड़पति होते तो भैया बाहर जाके बनाते हैं। ये टोटल गरीब लोग है। और ये आप ये पहले रोड देखो, ये डुबन क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए का पास हुआ है। ये रोड देखो आप, ये 1 करोड़ रुपए का रोड पास हुआ है। जब 1 करोड़ रुपए का रोड पास, जब 1 करोड़ का रोड पास हो सकता है तो ये गरीबों को पट्टे क्यों नहीं मिल सकते? बोला था कि पट्टे मिल जाएंगे चुनाव के बाद मिल जाएंगे, फिर बात में गए तो बोले आचार संहिता बाद आना। आचार संहिता बाद क्या, तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। गरीब इंसान कहाँ जाएगा ये बता, झुग्गी झोपड़ी वाले इंसान कहाँ जाएंगे? जिनके कने उनको मिल रहा है और जिनके कने नहीं है उनको क्यों नहीं मिल रहा है ये बता। रोड जब पास हो सकता है तो पट्टे भी आना चाहिए यहाँ पे। ये डूब क्षेत्र में कहाँ से आएगा? ये डूब क्षेत्र में फिर रोड कैसे बन पाया? जी जी जी। तो इसके ये समस्या है हमको, और हमारा ना पट्टा दिया जाए बस। अच्छा, पट्टे की अपने ऐसी निवेदन है, हमारा मांग भी है और हमारा शासन से भी और प्रशासन से भी यही मांग है कि हमें पट्टे दिया जाए, और नेताओं से भी। और नेताओं से भी। वार्ड क्रमांक 39 में मौजूद है और इस क्षेत्र में जो पार्षद हैं गब्बर मिंडा जी हैं, और आज वार्ड के कई लोग यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आए हैं, और यहाँ पे ये लोग सब इकट्ठे होके अपनी कुछ समस्या को लेकर बात करना चाह रहे हैं। इनकी प्रमुख समस्या पट्टों को लेकर है, और इन लोगों का ये कहना है कि हर 2-5 साल में जो चुनाव होते हैं तो नेता वादे तो कर देते हैं कि इनको पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे वादे करते करते 40 से 50 साल हो गए, लेकिन आज दिनांक तक के भी इन्हें पट्टे नहीं मिले। तो यहाँ के जो क्षेत्रवासी जो काफी लंबे समय से रह रहे हैं, उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये पट्टे को लेकर क्या कहते हैं। आइए हम बात करते हैं, आपका क्या नाम है? अंजुम। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ हम कब से रह रहा है, हमारे पट्टे नहीं है। अच्छा। वो सालों से रह रहा है। हाँ। और पट्टे जब वो होता चुनाव, जब कहते पट्टे मिलेंगे पट्टे मिलेंगे, और पट्टे अभी तक नहीं मिले। अच्छा, तो अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? रोड का 1 करोड़ का वो पास हुआ है, तो उसमें भी अभी तक रोड का भी कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, रोड भी अभी अधूरा है। हाँ, रोड का भी अधूरा है। अच्छा, इनका ये कहना है कि ये जो रोड बना हुआ है 1 करोड़ रुपए का नगर निगम ने स्वीकृत किया है। यहाँ पर MLB स्कूल से लेके यहाँ रामेश्वर रोड तक के जाता है रोड, तो 1 करोड़ का रोड स्वीकृत हो गया, लेकिन इनको पट्टे अभी तक नहीं मिल पा रहे। और भी लोग मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रानी शेख जी। क्या कहेंगे आप? सर, पट्टा चाहिए हमको बस, और कुछ नहीं कहना। 40 से 50 साल हो गए हमको रहते रहते। हाँ। मतलब अभी तक का पट्टे मतलब किसी ने दिया ही नहीं। अच्छा। रसीदे भी दे चुके हैं लेकिन पट्टे नहीं मिले। अच्छा, तो पट्टे नहीं मिलने से आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या कुछ नहीं, बस ये हमेशा का डर लगे रहता है कि कहीं आके कोई तोड़ के नहीं चले जाए, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं पाते। अच्छा। फिर इसके वजह से हम छोटे छोटे झोपड़े बना के ही रह पा रहेंगे। तो हमको पट्टे होना बस, कुछ नहीं होना। मकानों को कितना टाइम हो गया बने? 40 से 50 साल हो गए। तो आप इधर ही रह रहे हैं 40? हाँ, जब से हम यही रह रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि इनके पट्टे नहीं होने की वजह से इनको हमेशा ये बात की चिंता रहती है कि कोई आके उनका मकान नहीं तोड़ दे या किसी तरह से, तो इस समय इसी को लेकर ये लोग पट्टे की मांग कर रहे हैं। और पट्टे नहीं मिल पाने की वजह से इन लोगों को ना तो लोन मिल पा रहा है, ना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है। और भी कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? राबिया भी। क्या कहेंगे आप? हमें पट्टे चाहिए। इससे 40 साल होगा, कब से रह रहा है, बहुत मजबूरी में रहते हैं, लाली निकालने वाले नहीं आते हैं। अच्छा। बहुत हाथों से निकालना पड़ता है सर। अच्छा, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? फेमिदा। क्या कहेंगे आप? सर, ये यहाँ 1 करोड़ का रोड का पास हो गया है, मगर हमारे घर के पट्टे नहीं मिल रहे सर। अच्छा। हमको बहुत दिक्कत है पट्टों की। अच्छा। अगर पट्टे मिल जाए हमको, सरकार की कुछ मदद मिल जाए, तो हमारे झोपड़े सही बन जाए, तो हम सही से रह पाए। तैसे से झोपड़ों में हम रह रहे हैं सर 40 साल से। सर, हम छोटे थे जब से आए, आज हमारे बच्चों की शादी होगा, हमारे नाते नवासी होगा, मगर हमें पट्टे नहीं मिल पाए सर। अच्छा। इसलिए हमको बहुत दिक्कत है, पट्टे तो चाहिए सर। आपका क्या नाम है? सलमा। क्या कहेंगे? बस हमको है ना पट्टे चाहिए, और ये 1 करोड़ का रोड पास हो सकता है तो फिर पट्टे क्यों नहीं मिल रहे? और हमने ये जमात खाने के लिए जगह छोड़ी है, इधर करो जी। अभी ये जगह हमने जमात खाना हमारा क्यों नहीं बन पा रहा है यहाँ से वहाँ तक? अभी हम ये 1 करोड़ का रोड जब पास हो सकता है तो फिर पट्टे भी आना चाहिए यहाँ पे। ये डूब क्षेत्र में कहाँ से आएगा? ये डूब क्षेत्र में फिर रोड कैसे बन पाया? जी जी जी। तो इसके ये समस्या है हमको, और हमारा ना पट्टा दिया जाए बस। पट्टे की अपनी ऐसी निवेदन है, हमारा मांग भी है, और हमारा शासन से भी और प्रशासन से भी यही मांगे कि हमें पट्टे दिया जाए, और नेताओं से भी। और नेताओं से भी। ठीक है। और भी लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? तो आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, सभी लोग पट्टे की मांग कर रहे हैं। आपने हमको बोला था कि पट्टे मिल जाएंगे चुनाव के बाद मिल जाएंगे, फिर बात में गए तो बोले आचार संहिता बाद आना। आचार संहिता बाद क्या, तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। गरीब इंसान कहाँ जाएगा ये बता।
झुग्गी झोपड़ी वाले इंसान कहाँ जाएंगे, जिनके कने उनको मिल रहा है और जिनके कने नहीं उनको क्यों नहीं मिल रहा, ये बताओ, ये बताओ। क्या नाम है? सायदा भी हर जगह पट्टे मिल रहा है सर, हर जगह मिल रहा है, 5 वार्ड में पट्टे मिले, फिर यहाँ क्या समस्या है, तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है पट्टे, क्या परेशानी है यहाँ पर? इतने सालों से रह रहे सर, हमारी दिक्कत जैसे चारों तरफ पट्टे मिल रहे, 5 बच्चों के बच्चे हो गए एक ही जगह रह रहे। इनका ये कहना है कि यहाँ पे रहते हुए इनकी 3 पीढ़ियां आ चुकी हैं और अभी तक के ये पट्टे के लिए परेशान हो रहे हैं, और ये जिस स्थान पे रह रहा है उसके लिए बाकायदा टैक्स भी जमा करते हैं, और इनकी आगामी चुनाव के चलते नेताओं से एक सूत्री मांग है कि इन्हें पट्टों की इनकी समस्या का निराकरण किया जाए। पिंडा जी क्या बोल रहे हैं? ये जितने भी वार्ड में रहते हैं सभी गरीब हैं, ऐसा कोई लखपति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ जितने भी है सब, अगर लखपति करोड़पति होते तो भैया बाहर जाके बनाते हैं, ये टोटल गरीब लोग हैं। और ये आप ये पहले रोड देखो, ये डुबन क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए का पास हुआ है, ये रोड देखो आप, ये 1 करोड़ रुपए का रोड पास हुआ है। जब 1 करोड़ रुपए का रोड पास, जब 1 करोड़ का रोड पास हो सकता है तो ये गरीबों को पट्टे क्यों नहीं मिल सकते हैं? ये जो महिला है ये टोटल कहाँ वोट डालेगी, ये चुनाव बताएगा। भाई हमको सिर्फ पट्टे चाहिए, आप पट्टे दे दो भाई, बेरू तलाव, चीरा खदान, दूध तलाई, यहाँ पट्टे मिल गए। ये मेरे वार्ड के अंदर ये जितने भी सब महिलाएं जो लोग रह रहे हैं ये सब गरीब हैं। अगर लखपति करोड़पति होते तो ये कॉलोनियों में नहीं जाते रहने, 20-20 सालों से ये देखो ये टीनों में पर्दे लगा के रह रहा है। तो सभी लोगों से बात हुई हमारी और सभी लोगों का कहना है कि भाई इधर के क्षेत्र के लोगों को पट्टे दिए जाना चाहिए और इनकी एक सूत्री यही मांग है। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।